अगर हम एक वातावरण प्रोवाइड करें इन बच्चों के लिए तो उनके हिसाब से है तो कोई हाय गाइस, मैं हूँ अमित और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं हूँ अपने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में और यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है फिट इंडिया की। और हमारे गौरव सर और इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स, वो सब आने वाले हैं। तो आज का क्या सेशन होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आज जो है ना हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग टाइम है, सब स्टार्ट हो रहे हैं और सब बच्चे आना स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं कि फिट इंडिया हम लोगों को क्या अवेयरनेस हमारे साथ में शेयर करता है और क्या चीज़ें हमें जो है ना जानने को मिलती है। मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। Associate Professor, teachers and the honorable members of Yoga and Sports Sense. I extend a warm welcome to each one of you present over here. Your presence here adds immense value to this special occasion as we come together to honor the achievements of the outstanding individual. This event is a celebration of excellence, dedication and hard work, exemplified by the students of our university. उनकी उपलब्धि न केवल हमारे समाज के लिए गर्व की बात है बल्कि उन्होंने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम उन्हें समर्थन उनके समर्थन में खड़े हैं और उन्हें हर समय प्रोत्साहित करते हैं। और विश्वविद्यालय से यह निश्चित किया जाता है कि आपकी पूर्व शिक्षा में आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं विशेष तौर पर श्री सर सलमान अली काजी जी क्राइस्ट चर्च कॉलेज अध्यापक इनके अध्यापक हैं जिनको सम्मानित करने का अनुरोध करती हूँ। इनके अथक प्रयास और मार्गदर्शन के द्वारा ही सरार की इस उपलब्धि से सारे समाज को गौरवान्वित किया गया है। Please give a big hand for Mandeep.
मैं आंचल यादव को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 48 किलोग्राम प्रतियोगिता में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं प्रदीप कुमार वर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष भी आई। मैं बिलाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, हरिता यादव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 100 मीटर दौड़ महिला वीआई में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं शिवानी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 1500 मीटर दौड़ में महिला एचआई वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शिवानी कोई हो मैं अभिनव जी को मैं अनीता गौतम जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता महिला वीआई में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अनीता यादव मैं अनिल तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 1500 मीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में पुरुष एचआई वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो गाइज वापस से आ गए हैं हम अपने रूम पे। एक जैसा कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अभी प्रोग्राम चल रहा था, मैंने सारा वीडियो शूट करके आपको दिखाया कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पे प्रतियोगिताएं हुई थी, एथलेटिक्स की हुई थी और जूडो हुआ था, कई सारे गेम्स हुए थे, उसका ये सेमिनार था और उसके अंदर सबको मेडल्स वगैरह मिले, सारी चीज़ें थी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में होता रहता है। एंड सबसे अच्छी बात है, स्पेशलों का ये विद्यालय है और आपने देखा एक लड़की थी जिसने हाई स्कूल में टॉप किया और वो भी ब्लाइंड बच्ची थी जिसने कि टॉप किया हुआ है, तो उसको सम्मानित किया गया हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से। सबसे अच्छी बात क्या थी, अच्छी बात ये कि वो जो टीचर थे जिन्होंने उसको पढ़ाया और उसने हाई स्कूल में टॉप किया, वो हमारे विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे। और आप तो जानते ही हो हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्पेशल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो गाइज ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।